औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हु क़ौली। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सामीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्सर व बेशतर दोस्तों के लिए वीडियोज़ बनाकर शेयर करते रहते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक सादा और आम फहम अंदाज में एक आम शख्स के लिए वीडियो बनाएं, ताकि जहाँ पर वो एक लाख स्टूडेंट के लिए वीडियो कारगर साबित हो, वहाँ पर एक आम शहरी के लिए भी मुस्तफ़ीद हो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन एक्ट इस्लामी, जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने अभी रिसेंटली पास किया है 2023 में। उसके मुतल्लिक़ मैं आपको केसला थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि इस कानून के तहत जो किस तरह इसकी मंजूरी हुई, और इसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस्लाम के अगेंस्ट जो ख़वातीन के को थ्रेट किया जाता है और उनके ख़िलाफ़ किस किस्म के जो तशद्दुद है उनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में हम जिक्र कर रहे हैं हम आज पंजाब तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन इस्लामी अहकामात का एक्ट, उसके तहत जो कवानीन जो रिसेंटली अमेंड होने के बाद फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसे जारी किया है, पास किया है। उस फैसले में कुछ अहादीस का हवाला भी दिया गया, और इस्लाम के अंदर ख़वातीन पर जो तशद्दुद है उससे तहफ़्फ़ुज़ देने का और उनका ख्याल रखने का और उनके अमल की इस जो उनके खिलाफ वायलेंस होता है उनके ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्गली तौर पर उसको रिजेक्ट किया गया और उसकी हौसला शिकनी की गई है उन फैक्टर्स की जो अवामिल इस के अंदर इस्तेमाल होते हैं और जो अवामिल इसमें शामिल होते हैं। फैसले में लिखा गया है कि जिस कानून को मतनाज़ा बनाया गया है इसमें कोई ऐसी शिक शामिल नहीं की जाएगी जिसकी कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक में नफ़ी की गई हो। लिहाजा कानून को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को मुस्तरद किया गया इस केस फैसले के तहत, और क्योंकि दरख्वास्त को दायर के जो दलाइल थे उनमें कोई वजन नहीं था। हालांकि इसमें कुछ पॉलिटिशन जो थे जैसे कि मुस्लिम लीग लून के कुछ अराकीन ने इस बिल की खिलाफ वर्जी भी की थी। कानून की अहमियत को उजागर करते हुए अदालत ने तजवीज़ दी कि दीगर सूबों में भी इस तरह के कवानीन बनाए जाएँ ताकि ख़वातीन के खिलाफ हर किस्म के वायलेंस तशद्दुद और उनको जराइम की रोकथाम हो सके और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। और 24 जनवरी 2016 को पंजाब असम्बली से ये कानून मंजूर किया गया था, जहां इससे 9 माह कबल 9 मई 2015 में सूबाई काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी थी। पंजाब असम्बली से मंजूर किए गए बिल के तहत ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद, माशी इस्तेहसाल, जज्बाती और नफसियाती तशद्दुद, बदकलामी और साइबर क्राइम जैसे संगीन जराइम से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इस कानून के तहत अगर थोड़ा सा इसमें अमेंड इसी सूरत में की गई थी कि जो बेसिकली ला था ये जब पास करने के लिए भेजा गया था पंजाब असम्बली में, तो इसमें उन्होंने मर्दों के नकल व हरकत पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर आके उन्होंने अमेंड किया था, और उनकी लीगल जो कमेटी थी उसने उसको थोड़ा अमेंड करने के बाद ये बिल पास करवाया, और उसके बाद ये कानून बना और ये फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2023 FSC पेज जो है इसका 1 है, जो उन्होंने PLD इसका केसला मौजूद है, आप इसको केसला की सर्च कर सकते हैं। ये 2023 का रिसेंटली व्यू है फेडरल शरीयत कोर्ट का, जिसके तहत ये कवानीन को पंजाब ख़वातीन को पब तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया पंजाब के अंदर। तो इसके साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों से वेरी हम रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और अगर वीडियोज़ के रिलेटेड आपको कोई ऐसा मैटर हो तो आप हमें मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 03017596304 पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी वॉइस ऑफ लायर की टीम पाकिस्तान भर से आपके लिए फ्री लीगल एड फ्राहम करने के लिए हमारा वक्त मौजूद है। और अपना ख्याल रखिएगा अपने, और हमेशा मैं लास्ट में आपको ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसा लीगल मैटर होता है, कोई भी ऐसा कानूनी इदारा जो वो कानूनी तौर पर करने का पाबंद था वो आइनी तौर पर लेकिन वो काम नहीं करता, तो आप हमेशा अपने कौंसल से रब्ता कीजिए, क्योंकि कौंसल ही एक ऐसा शख्स है, वकील, जो आपको इस लीगल हेल्प प्रोवाइड करते हुए आपको आपके आइनी हकूक दिलाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। लास्ट में आप तमाम दोस्तों के लिए दिली दुआगूँ, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। वस्सलाम पाकिस्तान, पाइंदाबाद।